हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी लोगों को आभा कार्ड और आयुष्मान भारत कार्ड में क्या क्या अंतर है, क्या क्या फायदा है, क्या क्या नुकसान है, दोनों में से कौन सा कार्ड आपको बनवाना चाहिए, क्या दोनों कार्ड आपको बनवाना चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। आभा कार्ड जो होता है दोस्तों, जिसे हम लोग बोलते हैं आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड, इसमें भी आयुष्मान आता है। और जो एक आयुष्मान कार्ड होता है दोस्तों, ठीक है, उसमें भी आयुष्मान आता है। तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि दोनों में से कौन सा कार्ड हमें बनाना चाहिए, दोनों का यूजेज क्या क्या है, दोनों का बेनिफिट क्या है, और दोनों में से कौन सा कार्ड बनवाने से हमें ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। अगर आपके पास दोनों में से कोई कार्ड नहीं बनाया है तब तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, और अगर आप इनमें से कोई एक कार्ड अभी तक बनवा लिए हैं तो क्या दूसरा कार्ड आपको बनवाना चाहिए, क्या उसका कोई अलग बेनिफिट मिलेगा आपको, क्या दूसरा फायदा मिलेगा आपको, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं कि आखिर यह आयुष्मान कार्ड होता क्या है। आयुष्मान कार्ड एक हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है जिसकी शुरुआत आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के तहत हुआ था। इस स्कीम को 23 सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। अब इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आपके पास ये कार्ड है तो आप किसी भी सरकारी अस्पताल या फिर प्राइवेट में जो सूचीबद्ध अस्पताल है वहां पे जाके आप बहुत ही आसानी से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे। ये हो जाता है आयुष्मान कार्ड का फायदा। अब जानते हैं दोस्तों कि जो आभा कार्ड होता है, ये वाला जो कार्ड है, इसका काम क्या है। ये जो आभा कार्ड आप देख रहे हैं दोस्तों, इसका काम क्या है, इसका मतलब यही है दोस्तों कि एक टाइप का ये डिजिटल कार्ड है, ठीक है। एक नंबर आपको दे दिया जाएगा दोस्तों, हेल्थ आईडी आपको दे दिया जाएगा, एक नंबर बेसिकली मिल जाता है इसमें अकाउंट बनाने के बाद, कार्ड बनाने के बाद, और इसमें आपका सारा रिकॉर्ड रहेगा। मान लेते हैं दोस्तों कि अभी आप कहीं पर एडमिट होते हैं किसी अस्पताल में, वहां पर आपको जो जो प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो जो दवाइयां दिया जाता है, जो जो टेस्ट आपको किया जाता है दोस्तों, सारा का रिकॉर्ड आप यहां पर रख सकते हैं इस आभा कार्ड में, वो स्टोर हो जाएगा। मान लेते हैं 5 साल बाद आप कहीं और जाके एडमिट होते हैं, कहीं और किसी भी बीमारी का आपको चेकअप कराना है, कहीं पे भी आपको एडमिट होना है दोस्तों, तो ये जो आभा कार्ड है इसमें आपका पूरा 5 साल पुराना में जो आपका टेस्ट हुआ था उसमें उसका रिपोर्ट क्या आया था, कौन कौन सा मेडिसिन लिखा गया था, उसका एडवाइस क्या दिया गया था डॉक्टर की तरफ से, ये सारा रिकॉर्ड यहां पे अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों। आपको बताना नहीं पड़ेगा, अगर आपसे कोई मतलब कागज मिस भी हो जाता है ना डॉक्टर का, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आभा कार्ड में वो स्टोर हो जाता है। और इसे आप किसी और डॉक्टर से भी दिखा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों, और इसे आप अपने फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं, और ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, आभा कार्ड और आयुष्मान कार्ड जो होता है ना, वो टोटली डिफरेंट है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर मेरे पास दोनों कार्ड नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए। इसका यही है दोस्तों कि अभी तक अगर आपने अपना आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है, साथ में अगर आभा कार्ड नहीं बनवाया दोस्तों, तो बिल्कुल आप बहुत ही पीछे छूट जाएंगे, गलती कर रहे हैं आप। आपको जरूर बनवा लेना चाहिए ये दोनों कार्ड। अब बात आता है कि आप दोनों कार्ड बनवाना चाहिए या फिर किसी एक को बनवाने से काम हो जाएगा। तो इसका आप लोगों को मैं आंसर दे देता हूं दोस्तों कि बिल्कुल दोनों कार्ड आपको बनवाना है। एक कार्ड बनवाने से आप लोगों को एक फायदा होगा, दोनों कार्ड बनवाइएगा तो दोनों फायदा होगा, जो मैंने आप लोगों को पहले बता चुका है, ठीक है, कि आभा कार्ड से क्या होता है, आयुष्मान कार्ड से क्या होता है, तो दोनों कार्ड बनवाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप आभा आईडी जनरेट कर लेते हैं, एक 14 डिजिट का एक आपको नंबर दिया जाता है आभा कार्ड में, स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आपके पास ये पहले से है दोस्तों, उसके बाद अगर आप आयुष्मान कार्ड बनवाते हैं तो आयुष्मान कार्ड में ये आभा कार्ड जो नंबर होता है, आभा आईडी का नंबर, वो मेंशन होता है, ठीक है। तो अगर आप आयुष्मान कार्ड पहले बना लेते हैं और आभा कार्ड अभी तक नहीं बना है, तो आपका आयुष्मान कार्ड में वो आभा नंबर मतलब नहीं होगा वहां पे, ठीक है, वो ब्लैंक छोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले काम यही करना है कि आभा आईडी जनरेट करना है। फ्यूचर में कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह, आपका सारा कुछ रिपोर्ट, टेस्ट जो भी आपका हुआ है, अल्ट्रासाउंड हुआ है, जो भी टाइप का टेस्ट हुआ है, उसका रिपोर्ट क्या आया, सब कुछ आभा में वो सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, और आप 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज अपने आयुष्मान कार्ड से करवा पाएंगे। अब दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को कुछ और अंतर के बारे में यहाँ पे डिटेल से बता देता हूँ। आयुष्मान कार्ड एक टाइप का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड होता है, जबकि जो आभा कार्ड होता है दोस्तों, वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है, वो बस एक कार्ड होता है जिसमें कि आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट होता है, जो भी टेस्ट होता है, जो भी वहां पर रिकॉर्ड होता है दोस्तों, वो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, यानी कि अपने हेल्थ रिकॉर्ड को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आयुष्मान कार्ड जो होता है ना, वो केवल गरीब वर्ग के लिए ही यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है, उन्हीं लोगों का बनेगा जो कि गरीबी के अंतर्गत आते हैं, या फिर उनका राशन कार्ड है, सरकार की तरफ से राशन मिल रहा है, बस उन्हीं लोगों के लिए है। लेकिन जो ये आभा कार्ड होता है दोस्तों, वो इंडियन को बनवाना ही चाहिए, सभी लोगों को बनवाना चाहिए, चाहे वो गरीब है, अमीर है, जो भी है, उनको बनवाना चाहिए, ताकि उनका जो हेल्थ रिकॉर्ड है वो आभा आईडी में जनरेट हो सके और वहां पे सेव हो सके। फ्यूचर में कभी भी अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो अपना आभा आईडी जो होता है आपका ना, उसको एंटर करके पूरा डिटेल निकाल सकता है कि आप कब कब एडमिट हुए, क्या क्या आपका टेस्ट किया गया, क्या क्या उसका रिपोर्ट आया गया, सब कुछ वो देख सकता है दोस्तों। तो ये हो जाता है अंतर। इसके बाद दोस्तों,
आयुष्मान कार्ड में बस आप लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है सरकारी अस्पताल और प्राइवेट सूचीबद्ध अस्पतालों में। लेकिन दोस्तों आभा आईडी जो होता है, आभा कार्ड जो होता है, उसमें आपको किसी भी टाइप का पैसा या फिर मुफ्त इलाज नहीं दिया जाता है। बस इलाज के दौरान क्या क्या टेस्ट हुआ है, इलाज के दौरान क्या क्या आपको बताया गया है, इलाज के दौरान क्या क्या टेस्ट हुआ है, उसका रिपोर्ट क्या क्या आया है, सब कुछ आपका आभा आईडी में सेव हो जाता है। तो फ्यूचर में आप इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको आभा आईडी बनाना है, आभा कार्ड बनवाना है, तो आप इस वाली वेबसाइट से बना सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसी वेबसाइट से वो बन जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, चेक कर लेना है। इसके बाद अगर आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना है, दोस्तों स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस वेबसाइट से आप आयुष्मान कार्ड बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। दोस्तों अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपके मन में सवाल है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में अगर आपको और वीडियो चाहिए कि आभा कार्ड हम कैसे बना सकते हैं घर बैठे, आयुष्मान कार्ड हम घर बैठे कैसे बना सकते हैं, अगर आपको इसके बारे में वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, वीडियो को अगर आप लाइक नहीं करेंगे दोस्तों तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, फिर मैं आप सभी लोगों के लिए इतने इंपॉर्टेंट वीडियोज नहीं बना पाऊंगा। इसलिए प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहे। आज के इस वीडियो में इतना दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।